नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला, आज आप सभी के लिए यूपीएसआई एएसआई मिनिस्टीरियल कॉन्फिडेंशियल और अकाउंट जो आपकी परीक्षा 4 और 5 को होनी है के लिए अंतिम समय में क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डूज और डोंट्स के बारे में यहाँ पर चर्चा करने आया हूँ। एक जो बहुत ही जरूरी बात होती है जो आपके परीक्षा के अंतिम 2 घंटे के लिए बहुत निर्णायक होती है। 2.5 घंटे का आपका पेपर है तो यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में आपका 2.5 घंटा जाएगा। पहले का भी समय मान ले तो लगभग 3 घंटा समय आपका एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, और वो जो 3 घंटा है उसमें आपका जो टेम्परामेंट है, उसमें जो आपकी सोच है, उसमें जो आपका मेंटल स्टेटस है, वही सब कुछ निर्धारित करेगा कि आपका पेपर कितना अच्छा हो रहा है और आपकी सिलेक्शन की चांसेस कितने ज्यादा हैं। जो अभी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, और एक बात और ध्यान रख ले कि कल हम लोग इसका लाइव एनालिसिस करेंगे कल 12 बजे। तो जिन बच्चों का 4 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर है 9:30 से 12 वाले शिफ्ट में, उसमें वो जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकले वो अभी मैं नंबर बताऊंगा उस पे अपने क्वेश्चंस और कैसा उनका पेपर हुआ, ताकि अन्य बच्चों के लिए क्या थोड़ा लाभदायक हो वो जरूर बताएं। चलिए हम लोग इस सेशन का स्टार्ट करते हैं कि आखिर अंतिम समय में क्या करना चाहिए। तो इससे पहले मैं ये बताऊंगा कि तमाम बच्चे, देखा जाए तो मैं बोल सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम बच्चे टीम परीक्षा प्लस से जुड़े थे, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा ये दायित्व बनता है कि बच्चों को लास्ट टाइम में भी ये बता देना कि आखिर गलतियां कहां पे तमाम बच्चों से होती है, वो गलतियां आपको नहीं करनी है, क्या आपका एक मेंटल स्टेटस होना चाहिए, इसके बारे में सारी जानकारी हम लोग देखेंगे। देखिए, आपकी जो तैयारी है वो बहुत सारे बच्चों की 1 साल से हो रही है, कुछ बच्चों की पिछले 6 महीने से हो रही है, और लगातार ये तैयारी निरंतर चलती चली आ रही है। अब समय आ गया है उस तैयारी को फाइनल रिजल्ट देने का। अभी आप जितनी भी तैयारियां थी, अब आप युद्ध के मैदान में उतरोगे, और कल से जो आपका वो 2.5 घंटा होगा वो सबसे ज्यादा निर्णायक होगा। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो शायद परीक्षार्थी या जो अभ्यर्थी होते हैं अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, और आता हुआ प्रश्न गलत कर देते हैं, या छोटी छोटी सारी मिस्टेक हो जाती है, या फिर कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से उनको बाद में पछताना पड़ता है। तो ऐसा कुछ ना हो, इस कारण से इस सेशन को हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। आपने टेम्पलेट देख लिया होगा, लास्ट टाइम टिप्स देख लेंगे, डूज डोंट्स की बात कर लेंगे। तो सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा आपको बोलता रहता हूं वो है आपका कूल टेम्परामेंट। जिस वक्त आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठने जाओगे, जब आपका बायोमेट्रिक होगा, जब आप प्रवेश पत्र दिखा के अंदर एग्जामिनेशन हॉल पे अपना कंप्यूटर, आपका जो सिस्टम होगा आपके सामने होगा लॉगिन करने के लिए होगा, उसी समय से आपके दिमाग का जो टेम्परामेंट है वो कैसा है वो बहुत कुछ निर्धारित कर देता है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए कुंभ का मेला नहीं है ये पेपर, पहली बात। दूसरी बात, ये जो आप पेपर देने जा रहे हो ये अभी तक तमाम परीक्षाएं जो हुई हैं उनमें बोला जा सकता है न्यूनतम कंपटीशन का पेपर है। मतलब कि पहली बात तो आपके पास 1329 पद हैं, उसके लिए केवल आपके पास 65,000 फॉर्म पड़े हैं। 65,000 फॉर्म में भी बहुत सारे बच्चों का 5 तारीख को क्या हो जाएगा, हाँ, यूपी आरओ लग जाएगा, तो उस कारण से दे नहीं पाएंगे। मतलब 50,000 बच्चे पेपर देंगे, उसमें से भी कुछ पेपर देने जाते नहीं, केवल फॉर्म भर देते हैं। तो 40-45,000 बच्चे केवल क्या देंगे, पेपर देंगे, उसमें से भी उनको 3 गुना लेना है, मतलब 4,000 बच्चों को लेना है। तो कहने का मतलब जो 40-45,000 में 4,000 लेना है, मतलब एक सीट पे केवल 10 बच्चों की फाइट है, और ये न्यूनतम फाइट है। ऐसा लग रहा है कि आप किसी मेंस एग्जाम का पेपर देने जा रहे हो, लेकिन ये क्या है, ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा है। 200 क्वेश्चन है पेपर में आपके, 2.5 घंटा आपको समय मिलेगा। प्रत्येक सेक्शनल जो कट ऑफ होगा वो 35% होगा। मैं एक बार आपको यहाँ पे बता दूं कि जो बच्चे अभी तक ये कंफ्यूज हैं कि सेक्शनल कट ऑफ में, जैसे कि प्रत्येक सेक्शन में 2 भाग हैं, जैसे सेक्शन 1 में कंप्यूटर और हिंदी है, तो हिंदी में 35% और कंप्यूटर में 35%, ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल आपका जो 50 क्वेश्चन है उसमें 35% लेके आना है। आपकी हिंदी बहुत स्ट्रांग है तो आप हिंदी हिंदी करके 35% ले आओ, आपकी कंप्यूटर बहुत स्ट्रांग है तो कंप्यूटर कंप्यूटर करके 35% ले आओ, आपको दोनों में इंडिविजुअली 35-35 नहीं लाना है परसेंट, ये ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल जो आपको लाना है 40% लाना है। और एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए, अगर आपने कल की परीक्षा में 200 के 200 क्वेश्चन एक बार सही तरीके से पढ़ लिया, उसे अटेम्प्ट कर लिया, तो आपका जो सफलता है ना वो तय है। क्योंकि मैं एक बात शुरू में ही बोल दे रहा हूं कि टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, और शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो 200 का 200 क्वेश्चन सही तरीके से पढ़ पाए। क्योंकि 2.5 घंटा मतलब कि आपके 150 मिनट, और 200 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन को मुश्किल से 40 सेकंड यहां पे मिल रहे हैं, ऑन एवरेज 40 सेकंड, जिसमें रीजनिंग और मैथ्स का संभाग लगभग 50% हो, और 50% यहां पे वो दोनों पार्ट ज्यादा समय ले जाते हैं, ऑन एवरेज 1 मिनट से ज्यादा ले जाते हैं। हिंदी और कंप्यूटर भी है, कंप्यूटर टफ सब्जेक्ट है, अच्छा पूछता भी है, तो उसमें भी समय जाएगा। करंट अफेयर्स और जीएस में भी थोड़ा समय जाता है, तो दो
200 क्वेश्चन सबसे बड़ी बात है कर पाना सही तरीका, ना क्यों ब्लाइंड गेस हम तो मार के चले देंगे। अभी तुक्का भी कैसे मारना है वो भी मैं लास्ट तक आपको बताऊंगा, तो लास्ट तक आप बहुत अच्छे से सुनते चलना, क्योंकि ये तुक्का भी बहुत किफायती तरीके से यहाँ पे मारना होगा, तभी जाके यहाँ पे आपका सिलेक्शन होना है। निगेटिव है नहीं तो चिंता की कोई बात नहीं है। तो टेम्परामेंट आपको बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, ये पेपर केवल आपके लिए बना है। बस एक काम करिए, जाइए इत्मीनान से, स्वास्थ्य ठीक रखते हुए, दिमाग ठीक रखते हुए, अपने आप को बहुत पॉजिटिव स्टेटस में रखते हुए पेपर दीजिए। पहला काम एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचिए, और दूसरा काम वो ढाई घंटे बहुत ही प्रॉपर तरीके से बहुत ही माचो मैन की तरह बैठिए और 200 क्वेश्चन पर तक ट्रेवल करिए। वो 200 क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से निकलने चाहिए और उन पे आपका दिमाग लगना चाहिए। अगर इतना हो गया तो आपका सिलेक्शन हो गया, पहली आप यही पे मूल मंत्र ले लो। तीसरी बात मैं बोल दिया हूं कि नो नीड टू वरी अबाउट सर्टिफिकेट। मैं देख रहा हूं आज भी कम से कम सैकड़ों बच्चों ने कॉल किया है, सर मेरा ये सर्टिफिकेट है, मैं क्या पेपर दे सकता हूं, क्या मेरा हो जाएगा। अब ये आपका सर्टिफिकेट के लिए चिंता करने का समय नहीं है, जो होगा आगे देखा जाएगा। पहला काम आपका ये है कल जाओ पेपर दे के आओ, और कैसे दे के आओ इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हो। हम टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो आपके पास चार सेक्शन है, सेक्शन वन, सेक्शन टू, सेक्शन थ्री, फोर। चार सेक्शन में पहले मैं 25 हिंदी और 25 कंप्यूटर, ऐसे 25 कंप्यूटर अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, और 25 आपका जनरल अवेयरनेस है, 25 मैथ्स है, 25 आपका जो मेंटल एबिलिटी है। और सेक्शन फोर में तीन पार्ट होंगे, एक आपका मेंटल एप्टीट्यूड होगा, मानसिक अभिरुचि होगा, 10 क्वेश्चन आईक्यू के होंगे जो रीजनिंग ही कहलाती है, और 25 तो कोर रीजनिंग होगा ही होगा। यहां पे जो 25 मेंटल एबिलिटी की बात कर रहा है ये भी आपका रीजनिंग है, तो रीजनिंग आपके पास 50 25 75 और 25 मैथ है, यानी कि 100 क्वेश्चन आपका ये संभाग है। पेपर कैसे करना है तो आप ऐसा समझो कि कोई भी जो पेपर होता है उसके आने का तरीका यही होता है, मैं पहले भी बताता चला आया हूं कि आपका जो पेपर आएगा उसमें 40% क्वेश्चन इजी लेवल के होंगे, ऐसे ही 40% क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होंगे, और 20% क्वेश्चन लगभग टफ लेवल के होंगे। आपको ये वाला सेक्शन करना ही नहीं है, इस वाले सेक्शन के लिए कल परेशान ही नहीं होना है। क्यों, इस बात को समझाता हूं। आपके पास थोड़ा सा मैं एनालिसिस करता हूं, आपके पास 200 क्वेश्चन है टोटल, और मैं एक टॉपर को लेके चलता हूं। अगर टॉपर होगा, जो बच्चा बहुत, यहां पे बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट दिया, उनका मैं मार्क्स पूरा एनालिसिस किया, करीबन 20 जो टॉपर रहे मैं सबका मार्क्स देखा, जो हाईएस्ट किसी का गया है वो 400 में 350 गया है ना। आप बहुत सारे, वो सारे बच्चे टेस्ट बुक पे भी देते आए हैं, उनका जो हाईएस्ट गया है 350 वहां पे भी गया है, लेकिन अगर उनका एवरेज निकाला जाए तो 320 315 330 आ रहे, जो टॉपर टेस्ट बुक के भी और परीक्षा प्लस के भी दोनों। और पूरे उत्तर प्रदेश में केवल दो ही संस्था ऐसी थी जो यूपीएएसआई की टेस्ट सीरीज करवा रही थी, तो आप इससे दिमाग लगा सकते हो कि कहां पे सबसे ज्यादा बच्चे हैं और एनालिसिस कहां से सही से ज्यादा आएगा। तो आपको 200 क्वेश्चन है यानी कि 400 नंबर का है, अभी टॉपर अगर 320 जा रहा है, इतना लगा लो, नॉर्मल लगा लो, उसके पीछे बहुत सारे तरीके हैं भाई। 200 क्वेश्चन है तो टॉपर भी 200 के 200 क्वेश्चन सही पढ़ के और सही नहीं लगा पाएगा, कम से कम 20-30 क्वेश्चन उससे ब्लाइंड के उसे मारना ही पड़ेगा। बचे आपके पास कितने, अगर 200 में से 20-30 निकालते तो 170 क्वेश्चन। कितना भी तेज बंदा हो, 10% ह्यूमन एरर, कॉमन एरर, और उसमें पैरेलेक्स एरर की काउंट होते ही होते हैं, 10% वहां से निकाल दो, 17 क्वेश्चन और माइनस कर दो, तो 170 में से अगर आप 17 माइनस करोगे तो 153 क्वेश्चन, वही आपकी एनालिसिस है। 153 क्वेश्चन करके आओगे, दूना करोगे तो आपके 306 नंबर होंगे, और यही जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो 310 से 320 कर रहा है, और ये टॉपर है। यानी कि आपको 4000 में जगह बनाने के लिए अगर आप 270 से 280 नंबर भी ले आते हो, मतलब 140 से 145, 135 से 140 क्वेश्चन भी आप सही से अटेम्प्ट करके चले जाते हो, तो आपका सिलेक्शन कोई रोके ही नहीं सकता है, इस बात को दिमाग रखना है। तो यहां पे परेशान नहीं होना है, कूल टेम्परामेंट रखना है, ये एकदम चीजें हैं। और ये जो मैं आपको 240 बता रहा हूं, 240 नंबर बता रहा हूं, ये कायदे से कितना परसेंट हुआ भाई, अगर 240 400 का लिया जाए तो 60% है, 6 × 24, यानी 60% पे आपका सिलेक्शन है, 70% पे टॉपर बन रहा है। और यहां पे अगर इजी और मॉडरेट को ले लो तो 80% क्वेश्चन होते हैं, 80% क्वेश्चन मतलब 200 क्वेश्चन का हो गया 160 में, इसमें मैं 10% ह्यूमन एरर निकाल दूं तो 16 क्वेश्चन आप और निकाल दो, मतलब आपके पास कितने बच रहे हैं, 144 क्वेश्चन अभी भी बच रहे हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं है, परेशान नहीं होने की जरूरत नहीं है। तो आपको केवल इजी और मॉडरेट वाले पे ध्यान देना है, टफ वाले के लिए चिंता नहीं करना। यहां पे एक शब्द आता है इमोशनली अटैचमेंट। कई बार पेपर आप देते हो तो आपको कुछ प्रश्नों से क्या हो जाता है,
अटैचमेंट हो जाता है कुछ से, पता नहीं क्या होता है, आप लोग दिल दे बैठते हो कि नहीं ये वाला प्रश्न तो अभी मैं कल रिवाइज करके आया हूं, कल इस वाली पीडीएफ में पढ़ के आया हूं, इस वाली किताब में पढ़ के आया हूं, ये वाला क्वेश्चन मुझसे गलत कैसे हो सकता है, बिल्कुल गलत नहीं होगा। और आप उस क्वेश्चन के पीछे अननेसेसरी समय बर्बाद करते हो। सपोज करो मैथ का कोई क्वेश्चन है जो आपने कल शाम को प्रैक्टिस करके आए, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में मिल गया, लेकिन आयोग की तरफ से उसके डेटा में कोई गड़बड़ी हो गई, मिसप्रिंट हो गई, या कोई प्लस माइनस की गलती कर दिया, जो क्वेश्चन सही नहीं है, आपकी जिद लगी हुई है कि मैं इस क्वेश्चन को सही करूंगा क्योंकि मैंने ऐसे टाइप के क्वेश्चन कल करके आया हूं, एक मिनट आपको समय देना है उस क्वेश्चन को, आप एक बार लगाओगे एक मिनट जाएगा, दोबारा फिर टैली करोगे दो मिनट जाएगा, दो बार नहीं लगा तो तीसरी बार उससे आप इतना ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हो कि लगेगा कैसे नहीं, इतना समय बर्बाद कर दिया हूं तो एक अटेम्प्ट देने में और क्या जा रहा है। आप उसे तीसरी बार ट्राई करते हो और 3.5 से 4 मिनट, कई बार 5 से 7 मिनट भी आप एक क्वेश्चन पर बर्बाद करते हो। तनिक सा सोचो, उस 5 मिनट में शायद हिंदी के आपके 10 क्वेश्चन हो जाएं, शायद करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस के आपके 15 से 20 क्वेश्चन हो जाएं, शायद रीजनिंग के आपसे उस 5 मिनट में 6 से 7 क्वेश्चन हो जाएं, 8-10 क्वेश्चन हो जाएं, मैथ के भी 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर सकते हो अगर उस 5 मिनट में बात किया जाए। तो इमोशनली अटैचमेंट, किसी से वहां पर वफाई बेवफाई नहीं करनी है, कोई भी वहां पे कोई भी प्रश्न आपका सगा नहीं है, सभी को एक नजरिए से देखना है। एक आपको रूल कल समझना है क्या एग्जामिनेशन हॉल में, द स्किपिंग रूल, ये एक आर्ट होता है ना, अगर आपसे किसी प्रश्न में स्किपिंग रूल, अगर किसी प्रश्न में आपका 1 मिनट से ज्यादा समय लग रहा है, वो कितना भी आपका प्यारा प्रश्न ना हो, कितना भी वो आपका चहेता ना हो, आप उसे छोड़ के आगे बढ़ो, यही आपके सफलता का नियम है। और जब ये स्किपिंग रूल आप अपना लोगे तभी आप 200 के 200 क्वेश्चन सही से ट्रेवल कर पाओगे, और 200 के 200 क्वेश्चन तक पहुंच जाना इसका मतलब ये कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं सेक्शनल कट ऑफ पे वेट क्यों नहीं दे रहा हूं, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ के लिए चिंता नहीं करना है। अगर पहले संभाग में किसी का कंप्यूटर वीक होगा तो हिंदी से ला सकता है, हिंदी वीक होगा तो कंप्यूटर से ला सकता है, करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस में जनरल अवेयरनेस वीक होगा तो करंट अफेयर से ला सकता है, करंट अफेयर्स वीक होगा तो जनरल अवेयरनेस से ला सकता है, मैथ्स और मेंटल एबिलिटी में मैथ्स लोगों की थोड़ी सी वीक होती है तो रीजनिंग आपको बचा ली जाएगी, मैथ्स के इजी वाले पार्ट कर लीजिए, और ये तो पूरा रीजनिंग है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं है। अब बाकी अगर मानसिक अभिरुचि में समस्या आती है तो रीजनिंग वाला पोर्शन कर लीजिए। तो यहां पे आपको 35% मतलब कि 17.5 क्वेश्चन मतलब कि 18 क्वेश्चन कितने में से 50 में से 18 क्वेश्चन करना है, दोनों मिला के करना है, 25 हिंदी अकेले है तो आप बहुत आराम से केवल 18 हिंदी से कर सकते हो, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस मिला के 18 कर लोगे, मैथ्स रीजनिंग मिला के 18 कर लोगे और यहां पे कर लोगे, सेक्शनल कट ऑफ 35% हो जाएगा, 40% आपका ओवरऑल है, अगर 200 क्वेश्चन का 40% निकालोगे तो आपको 80 क्वेश्चन करने हैं और 80 क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे। सिलेक्शन लेना है तो आपको कम से कम 130-140 क्वेश्चन करने हैं। अब आते हैं हमें करना कैसे है, कौन सा सेक्शन सबसे पहले किया जाए। तो एक बात समझ लो, कितना भी आप मैथ के विद्वान हो, कितने भी आप रीजनिंग के विद्वान हो, जो नियम है वो नियम है, आप सभी को मूल मंत्र समझ के, मैं अगर कुछ कह रहा हूं तो कुछ सोच समझ कर, बहुत सारे हजारों बच्चों का एनालिसिस करके आपको बता रहा हूं कि सर्वप्रथम आप सेक्शन 1 लगाओगे हिंदी और कंप्यूटर वाला, इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, हिंदी करोगे कंप्यूटर करोगे। दूसरी बात, जब आप करोगे तो किसी भी क्वेश्चन को छोड़ो मत, आपके पास 50 क्वेश्चन है, इसको अगर आप टाइम एलोकेट करो तो कम से कम नहीं तो आप इसे 25 मिनट में पहली बार में 25 मिनट में 50 क्वेश्चन करने का प्रयास करो, 25 मिनट में 50 क्वेश्चन करने का प्रयास करो, मैं बार बार फिर से बोल रहा हूं, और एक भी क्वेश्चन छोड़ो नहीं। इसमें आपके पास 2 कंडीशन होंगी, एक ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो एकदम आपको सॉलिडली आते होंगे, जो इजी होंगे आपके लिए, उसे तो आप करो ही करो, ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपके 50-50 चांस होंगे, शायद ऑप्शन ए हो कि ऑप्शन सी हो, ऐसे बनेगा, उसको भी आप थोड़ा सा एनालिसिस लगा के वहीं पे करो। उसके बाद आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन बचेंगे जो ब्लाइंड गेस मारने होगा, उसे आप छोड़ो मत, बुक मार्क करने की इस सेक्शन में और इस सेक्शन में जरूरत नहीं है। इन 2 सेक्शन को मैं अभी बाद में बताऊंगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की स्ट्रेटेजी आप समझो, सबसे पहले सेक्शन 1 उठाना है, फिर सेक्शन 2 उठाना है। सेक्शन 1 में आपको इमोशनली अटैच नहीं होना है और सारे के सारे क्वेश्चन एक बार में करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी क्वेश्चन को बुक मार्क लगा दिया तो आगे के ये 2 सेक्शन कंफर्म है आपका समय लेके जाएंगे, और लास्ट टाइम में आपके पास 10 मिनट अगर बचता भी है ना तो जब आप रिटर्न आओगे तो किसी क्वेश्चन को पीछे आते आते एक क्वेश्चन में 1 सेकंड तो जाता ही जाता है। ऐसे अगर आप 50 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन पीछे रहे तो 150 सेकंड गया, मतलब कि 2 से 3 मिनट आपने ऐसे ही बर्बाद कर दिया 10 मिनट में, और उसके बाद आपके पास जो 6-7 मिनट बचा, जब अब अगला जो देखो लास्ट के 10 मिनट में अंतिम का 3 मिनट किसी काम का नहीं होता। क्यों? यहां पे आपका टाइमर रेड हो जाता है, बहुत तेजी से समय बीतता है, आप घबरा से जाते हो, टेम्परामेंट एकदम बेकार हो जाता है, आता हुआ प्रश्न नहीं लगा पाओगे, बीसी बीसी में बी कभी मार दोगे, कभी सी मार दोगे, कभी डी मार दोगे, आगे बढ़ जाओगे, दिमाग आपका काम करेगा ही नहीं करेगा। तो ये 3 मिनट तो आप काउंट करके चलो ही मत,
3 मिनट आपने बर्बाद कर दिया, 4 मिनट में कुछ नहीं होना, परेशान नहीं होना है। तो इस कारण मैं बोल रहा हूं कि जब आप पेपर अटेम्प्ट करने का स्टार्ट करो तो 50 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन छोड़ो नहीं। क्यों? क्योंकि निगेटिव नहीं है। एक बात समझना, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि अगर हमारी एक्यूरेसी अच्छी नहीं रहेगी तो नॉर्मलाइजेशन में हमारा नंबर कम हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन के पूरे फॉर्मूले में एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं है। एक्यूरेसी का रोल कब आएगा? जब आयोग के द्वारा कोई क्वेश्चन गलत होगा। अगर आयोग के द्वारा 200 के 200 क्वेश्चन सही होते हैं तो एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं है। मैं कहता हूं आयोग के द्वारा 5 से 10 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो 1 नंबर 1.5 नंबर का फर्क पड़ेगा। उस 1 से 1.5 नंबर के लिए आप रिस्क लेने में कतई भी आप सोचो मत, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से करो। 25 मिनट का समय दो और इस 50 क्वेश्चन को करने का प्रयास करो। बहुत कंप्यूटर में समय लगता है तो इसे 30 मिनट दे दो। इस वाले सेक्शन में आपको स्ट्रिक्टली 25 मिनट करना है, 25 मिनट में करने का प्रयास करो, उसके बाद आगे बढ़ जाओ। यहां से 25-25-50 से 55 मिनट यहां पे निकल जाएगा, आपके पास टोटल 150 मिनट है। ध्यान देना, 100 मिनट आपके पास बचे हैं, ठीक है, 100 मिनट बचे हैं। 100 मिनट में फिर आप क्या आते हो? सेक्शन 3 में आते हो। सेक्शन 3 में सबसे पहले आप मेंटल एप्टीट्यूड वाला लगा लो, मेंटल एप्टीट्यूड में उसके बाद मैथ के आसान में लगा लो। यहां से आपकी स्ट्रेटजी अलग हो जाती है। इनमें आपको पूरा नहीं करना है। इनमें जब आप इस सेक्शन पे आओ तो सबसे पहले मेंटल एप्टीट्यूड वाला उठाओ, जितने आसान और मॉडरेट वाले उसे लगा ले जाओ, फिर आप मैथ वाले क्वेश्चन को करो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन सफल्ड हो। सफल्ड मतलब कभी आपको रीजनिंग मिले, कभी मैथ मिले। हालांकि ज्यादा 99% केस ये है, पहले मैथ मिलेगा 25 क्वेश्चन, फिर हो सकता है रीजनिंग 25 क्वेश्चन मिले। सफलिंग नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, लेकिन सफल्ड भी है तो आप 50 क्वेश्चन में पूरा का पूरा, जो इजी और मॉडरेट वाले हैं, जो आपको एक बार में लग जाते हैं, लगाते चले जाओ। लेकिन इस सेक्शन में स्किपिंग रूल को तुरंत फॉलो करना है। अगर किसी क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा समय लगता है तो जाने दो, क्वेश्चन ब्लाइंड गेस मार दो, निगेटिव नहीं है, लेकिन उसके पीछे समय मत बर्बाद करो। ये आप विशेष करके कान खोल के सुन लो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। और इसका इजी और मॉडरेट टफ वाले क्वेश्चन में मत बचो, इसमें इसका इजी मॉडरेट करने के बाद इस सेक्शन में आ जाओ, फिर इसका इजी मॉडरेट करो, उसके बाद जो समय आपका बचता है फिर इस सेक्शन का, जो क्वेश्चन ऐसा आपको लगता है कि हाँ थोड़ा समय देता तो हो जाता, इसको फिर से करो। और इधर आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर आप इस तरीके से करते हो तो आप अंत तक 200 क्वेश्चन बहुत आराम से कर ले जाओगे। 200 क्वेश्चन में अगर आपके 170-180 भी बहुत अच्छे से पढ़ के दिए हो और 20 क्वेश्चन ब्लाइंड गेस मार के आए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। पेपर टफ नहीं आना है, पेपर एसआई जैसा आया है वैसा ही आएगा, तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा शिफ्ट भी नहीं है, 2 दिन में कुल मिला के 4 शिफ्ट है आपके पास, है ना, 4 शिफ्ट है या 6 शिफ्ट है एग्जैक्टली आप देख लेना, 1 दिन में 2 है या 3 है एग्जैक्टली में दिमाग में नहीं आ रहा है, शायद 2 शिफ्ट है। तो 4 शिफ्ट है, बहुत ज्यादा पेपर में वैरायटीज नहीं होंगी, लगभग एक ही लेवल का चारों के चारों पेपर होंगे आपके, है ना, उसके लिए घबराना नहीं है, ना ही बहुत टफ आएगा पेपर। पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल के बीच में होगा, लेकिन एक बात सोचना है, पेपर बहुत टफ होगा तो सभी के लिए टफ होगा, और अगर आसान होगा तो सभी के लिए आसान होगा, उस हिसाब से आपकी रणनीति पेपर में बदल जाएगी। तो अंततः मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि भैया जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया है। बहुत सारे बच्चे रास्ते में होंगे, बहुत सारे बच्चे ट्रेवल कर रहे होंगे, अपने अपने सेंटर की तरफ बढ़ गए होंगे, बहुत सारे अभ्यर्थियों का पेपर 5 तारीख को होगा, सभी के लिए समग्र रूप से समान रूप से उपयोगी रणनीति है अंतिम टाइप के। लास्ट टाइम जो टिप्स है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसे आप एक बार फॉलो जरूर करिए। इसके अलावा भी किसी की अपनी व्यक्तिगत रणनीति हो सकती है तो आप बनाओ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको लगता है कि मेरे लिए ये बेटर है, बट इन जनरल ये मस्ट है, इन जनरल ये बेस्ट है, और उसके लिए मैं आपको कहूंगा, इन पर्टिकुलर मैं बात नहीं करूंगा। अंततः मैं आपसे ये बोलूंगा कि कल जिनका भी बच्चों का 4 तारीख को 9:30 से लेके और 12 वाला पेपर है, जैसे ही आप सेंटर से निकलते हो तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हो, या जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप इन पे भेज सकते हो। आपको हो सकता है कि अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ना चाहो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी जोड़ा जा सकता है, और ताकि एक एनालिसिस में आपका रोल हो। बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे मैंने बात कर ली है, ऑलरेडी आपकी एनालिसिस करेंगे, है ना, सेंटर से डायरेक्ट आपको बताएंगे कि कैसे उनका पेपर हुआ, कैसे आपको करना है। आप भी थोड़ा सा अगर ये सहयोग करते हो तो बहुत ही अच्छा बात रहेगा, बहुत ही ये टीम के लिए भी और आपके लिए भी और अन्य बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। अंततः कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छे से पेपर दीजिए, कूल माइंड होके दीजिए, सब कुछ आपका है, कल का दिन आपका है, जो आपकी मेहनत है वो कल रंग लाएगी, कहीं मेहनत बेकार जाएगी नहीं। जो सब कुछ पढ़ लिया वो सब कुछ दिमाग में है, कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं मैंने पढ़ा था उड़ गया, कुछ याद नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जो आपका दिमाग होता है वो खुली किताब की तरह कार्य करता है, और बचपन में भी कोई चीज पढ़े होगे तो वो तुरंत आपके आंखों के सामने आ जाएगा, आपको याद आ जाएगा। बहुत कम कंपटीशन है, बहुत अच्छा पेपर आने वाला है, कल आपका दिन है,
एकदम झंडा गाड़ दीजिए, एकदम बहुत ही एनर्जी के साथ पेपर दीजिए और मस्ती के साथ पेपर दीजिए। मैं लास्ट तक यही बोलूंगा, रिटर्न विद फ्लाई कलर्स अंग्रेजी का बहुत अच्छा कहावत है, आप अंततः सफल होकर लौटे। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम की तरफ से, साथ में पूरी टीम की तरफ से शुभ आशीष आपको। ईश्वर से हम दुआएं करेंगे कि हमने जो मेहनत की है, टीम ने जो मेहनत की है, आपने जो मेहनत की है, वो कल रंग लाए और वो आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा उपयोगी हो ये मेहनत आपके लिए। अंततः ऑल द वेरी बेस्ट सभी के लिए। थैंक यू।